के 22 साल तक जो देखिए सोनिया गांधी जी ने जो कांग्रेस का नेतृत्व किया वो हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि जब उनका अध्यक्ष बने थे वो तब भी हम सब ने रिक्वेस्ट की थी कि आप आगे आके पार्टी कमान संभालें वरना पार्टी बिखर जाएगी। उस वक्त में 98 में ये माहौल था और सबकी भावनाओं को देखते हुए सोनिया गांधी जी के सामने लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, तब भी उन्होंने कांग्रेस के इंटरेस्ट में किस रूप में उन्होंने स्वीकार भी किया चैलेंज को और उसके बाद में 22 साल तक वो कांग्रेस अध्यक्ष रहे और जिस प्रकार से सरकारें बनाई राज्यों में 12-13 राज्यों में सरकारें बनी थी उस वक्त में और साथ में 2 बार UP गवर्नमेंट बनी, तो उन्होंने बेखूबी निभाया, उसको कोई भूल नहीं सकता। और अभी भी जो है राहुल गांधी जी की इच्छा थी कि एक बार नॉन गांधी बने अध्यक्ष, हालांकि लास्ट मोमेंट तक ये प्रयास हुए कि राहुल जी अध्यक्ष बने वापस, तो वही चुनौती दे सकते हैं मोदी जी को और सरकार को NDA गवर्नमेंट को जो दे रहे हैं वो। अब यात्रा ने तो एक मैसेज दे दिया पूरे कंट्री के अंदर कि प्यार मोहब्बत की राजनीति हो क्या रहा देश के अंदर, चिंता वाली बात है, हिंसा हो रही है, तनाव है, सब बंद होना चाहिए। ये मैसेज के साथ वो चल रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा लेकर के, तो पूरे देश में वेलकम हो रहा है उसके यात्रा का। तो ये इस बार उन्होंने तय कर लिया कि नहीं नॉन गांधी अध्यक्ष बनना चाहिए, इसलिए आज खड़गे साहब बने और आज वो उनको चार दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि चुनौती बहुत बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं, और हम सब मिलके पूरे देश के अंदर जो सीनियर जूनियर जो भी लोग हैं नेता लोग कार्यकर्ता हैं सबका एक ही ध्येय हो कि एक बार सोनिया जी ने जो फैसला किया है नहीं बनने का गांधी फैमिली का और नॉन गांधी फैमिली का बन गए हैं खड़गे साहब, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम कैसे उनको कामयाब करें, कांग्रेस को मजबूत करें, नए सिरे से कांग्रेस के अंदर बूथ ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पर कांग्रेस मजबूत हो, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया कॉन्फिडेंस पैदा हो कि एक नई पारी की शुरुआत भी हो रही है, क्योंकि चैलेंज बहुत बड़े हैं देश के सामने। ये जो मीडिया दिखा रहा है वो सब कुछ सच नहीं है, वो दबाव में दिखा रहा है, ये मीडिया दिखा रहा है, ये NDA गवर्नमेंट के दबाव में दिखा रहा है देश को। अब केजरीवाल जी और नए पैदा हो गए, वो भी मोदी जी की तरह ही और जिस प्रकार से ऑरा बना रखा BJP ने मीडिया में, ये भी मीडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्ट कर रहे हैं और मीडिया उसको स्वीकार कर रहा है क्योंकि उनको तो रेवेन्यू हो रही है। पर ये देश हित में नहीं है, एक तरफा मीडिया चल रहा है केजरीवाल जी और BJP को लेकर, तो ये तमाम बातें जो हो रही है वो अच्छी नहीं हो रही है। तो कांग्रेस के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि बिना साधनों के डरा रखा है सभी दानदाताओं को कि कांग्रेस को कोई तरह का चंदा नहीं मिलना चाहिए, तो बिना साधनों के कांग्रेस को लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उसके लिए हम सबका माइंड सेट बनना चाहिए, उसी रूप में हम चैलेंज को स्वीकार करें और चैलेंज को स्वीकार करके हम लोग किस प्रकार से मुकाबला करें इन लोगों का, जो फासिस्ट लोग हैं लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून का राज नहीं रह रहा के राज्यों में, तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा है कि जो हेट स्पीच दे रहे हैं उनके खिलाफ में आप शिव मोटो एक्शन करो, मतलब केस दर्ज करो, कोई कंप्लेंट नहीं करे तब भी करो। क्या क्या नहीं हो रहा, उत्तराखंड UP दिल्ली का नाम लिया है, तीनों राज्यों का नाम भी लिया है कि जहाँ नफरत भरी जो स्पीच हुई है उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने क्या नहीं कहा है, तो तब भी इन लोगों का असर नहीं पड़ता है क्योंकि इनका विश्वास नहीं कि जुडिशरी का क्या महत्व है,
लोकतंत्र के अंदर। इसलिए तमाम बातें आपके सामने हैं। आज एक नई शुरुआत हो रही है और मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर के खड़गे साहब को कैसे सहयोग कर सकते हैं, उसमें हमेशा तत्पर रहेंगे। सर, एक दलित नेता के तौर पर जो आगामी चुनावी राज्य है वहाँ पर क्या फायदा मिलेगा कांग्रेस में? अब देखिए, दलित नेता को एक मौका मिला अध्यक्ष बनने का, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा फैसला है। पूरे देश के दलित वर्ग के लोगों को भी एक विश्वास जमा है कि हमारी एक इतनी ऐतिहासिक पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसके अध्यक्ष बनना मायने रखता है। और खड़गे साहब को ये अवसर मिला है तो हम तो बार बार उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि दलित वर्ग का फायदा मिलेगा पार्टी को, दलित का मिलेगा, पिछड़ों का मिलेगा, आम लोगों को मिलेगा, और चाहे वो कोई जाति धर्म वर्ग का आदमी हो। खड़गे साहब की पर्सनैलिटी ऐसी है, लंबा अनुभव है राजनीति में, इसलिए मेरा मानना है कि उन तमाम बातों का फायदा जो है खड़गे साहब के बनने का फायदा ही मैं समझता हूँ कांग्रेस को मिलेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।